उधर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए बवाल पर सियासत भी शबाब पर पहुंच गई है। जहां बीजेपी ने इसकी निंदा की है, वहीं जेएमएम कांग्रेस ने कहा है कि जब किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है तो सरकार कानून वापस क्यों नहीं लेती। राष्ट्रद्रोही तत्वों का मनोबल बढ़ गया है और ये राष्ट्रद्रोही तत्वों को विपक्ष के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्ष के लोग उनको एक तरह से कहिए तो उकसाने का काम कर रहे हैं। करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं वो किसान है क्या? आप उनको किसान मानते हैं तब तो उस दृष्टि से हम लोग को खुश होना चाहिए कि हमारे किसान जो हैं बहुत धनवान हो गए हैं। सवाल है कि किसान असल में जो किसान है वो किसान गांव में अपने खेतों में काम कर रहा है, खेतों में लगा हुआ है। ये बड़े बड़े आढ़तीय जो हैं, बड़े बड़े जो दलाल हैं, ये राकेश टिकैत जैसे लोग किसान हैं क्या? दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोवोकेशन था। जो शांतिपूर्ण लोग थे वहां पर, जो ट्रैक्टर लेके आउटर रिंग रोड में रहे, उनको भी वहां पर ललकारा गया। एक लंबा आंदोलन, हम कह सकते हैं लगभग 7 महीनों का आंदोलन, और 70 दिन तो दिल्ली के बाहर डटे हुए लोग, तो सब्र का तो एक बांध टूटता ही है। और लोकतंत्र का आज पर्व है। लोकतंत्र के पर्व के दिन जिस प्रकार से तंत्र का लोक से लोक पर हावी होना, ये हमको लगता है दुर्भाग्यजनक है। इससे बचा जा सकता था और बचना चाहिए था। अब सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए, लोगों का विश्वास उन पर है नहीं, इसलिए अब उन लोगों को तीनों जो काले कानून हैं उनको जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। पहले से घोषित कार्यक्रम था उसको लेकर के भी किसान अडिग थे कि हम आज के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन केंद्र की सरकार ने कई व्यवधान उसमें उत्पन्न किए और वो स्थिति टकराव में बदल गई। केंद्र की सरकार से हमारा सीधा ये मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और किसानों के हित में देश फैसला ले, जिसकी आवश्यकता किसानों को नहीं है ऐसे